हाई एवरीवन, आई एम मीति हियर। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी भेलपुरी। भेलपुरी वैसे तो मुंबई की फेमस है, लेकिन आजकल ये तो सभी जगह खाई जाती है। इसके लिए लिया है मैंने 200 ग्राम के आसपास लगभग पफ राइस। पफ राइस आपके मार्केट में इजी अवेलेबल है, तो मैंने 200 ग्राम के आसपास लिया है ये। अब मैं इसको क्या करूँगी, हल्का रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के बाद ये हल्का क्रंच हो जाएगा और क्रंची ही अच्छा लगेगा। तो इसके लिए लिया है मैंने एक कढ़ाई या पैन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं इसको मीडियम गैस पे रख लूँगी। ये देखिए, जैसे ही मेरा पैन ये हीट हो जाएगा हल्का, मैं इसमें डालूँगी ऑयल। आप ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच भर के तेल डाल दिया है, और जैसे ही थोड़ा ये हल्का गर्म होगा, देन मैं इसमें डालूँगी जीरा। देखिए गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 स्पून जीरा। अब ये हल्का सा क्रैकल होने तक हमें इंतज़ार करना है, बिकॉज़ ये मीडियम आँच है। अब मैं इसमें डालूँगी करी पत्ता। गाइस, मेरे पास हमेशा करी पत्ता होता है। मैं इसको क्या करती हूँ, माइक्रोवेव करके रख लेती हूँ ड्राई फॉर्म में, तो ये काफ़ी यूजेबल हो जाता है, ख़राब नहीं होता, ज़्यादा टाइम तक चलता है। अब मैं इसको हल्का सा क्रैकल होने तक देखूँगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको सॉटे कर रही हूँ। जलाना नहीं है हम लोगों को। जैसे ही ये हल्का क्रैकल होगा, मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी डालते ही 2-3 सेकंड के बाद मैं अपना डाल दूँगी पफ राइस। और पफ राइस को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चला चला के मैं भूनती रहूँगी। गाइस, मुझे यहाँ पर ये अपने हल्के रोस्ट करने हैं, ना कि ब्राउन करने हैं। पफ राइस को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हमें इन्हें चलाते रहना है, भूनते रहना है मीडियम आँच पर। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से चला चला के इसको भून रही हूँ। वैसे तो ये ऑलरेडी क्रंची होते हैं, बट इसको क्या है, आप जितना इसको अच्छे से सॉटे करोगे, ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको चला चला के भून रही हूँ। देखिए, लगभग ये मेरा होने ही वाला है, लगभग ये 5 से 7 मिनट में हो गया। अब देखिए, मैंने हाथ से करके देखा है किस तरह से क्रंच हो रहा है। एक बार ही प्रेस करने से टूट रहा है। अब इसके लिए लिया है मैंने थोड़ी सी घर की बनी हुई इमली की चटनी, 1.5 टमाटर, 1 ऑनियन, बड़ा ऑनियन, 1/2 लेमन एंड 4 ग्रीन चिलीज। और इसके लिए लिया है मैंने बेसन का सेव, जो आम मिल जाता है कहीं भी। ये लिया है मैंने मिक्स नमकीन। नमकीन आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिया मैंने चाट मसाला। चाट मसाला भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, नो इशू। इसके लिए लिया है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, जिसको मैं अपने आप हाथ से ही कट कर रही हूँ। आप चाहे तो चॉपर से भी काट सकते, बट चॉपर से वो मज़ा नहीं आएगा कुछ चीज़ों में। गाइस, हाथ की ही कटी हुई चीज़ अच्छी लगती है, तो जिस तरह से मैं काट रही हूँ आप काट सकते हैं बारीक बारीक। ठीक इसी तरह से मैं टमाटर को भी कट कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ईजी है बनाना। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, रॉ मैंगो जो होता है। अब मैं ग्रीन चिली भी काट लूँगी। गाइस, इसमें आप बनाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रूट नहीं डाला, बिकॉज़ ये मुझे बहुत लाइट में बनाना था, ज़्यादा हैवी नहीं करना था। अब मैं एक बाउल लूँगी, देन आपको जितना खाना हो आप उतना यूज़ कर सकते हैं। हमें ज़्यादा नहीं खाना था, क्योंकि शाम के वक्त चाय के साथ लिया था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने 4 से 5 लीटर भर के मैंने ये पफ फ्राइज दिया है। एक बड़े से बॉल में आप ले लीजिए। देन उसके बाद में मैं इसमें सारा जो कटा हुआ मैंने सामान काटा हुआ है वो मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने इसमें बेसन की सेव्स डाल दी हैं। आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, है तो डालिएगा, अदरवाइज नहीं। अब मैंने मिक्स जो नमकीन थी वो भी ऐड कर ली है। नमकीन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बाकी भी थी लेकिन मुझे नहीं ज़्यादा यूज़ करनी। अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स दूँगी। देन मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैं अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी, और फिर मैं इसको अच्छा सा मिक्स दूंगी। और मिक्स करने के बाद, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, फिर मैं इसमें मिर्च डालूंगी कटी हुई, और ये टमाटर कटा हुआ, और फिर मैं इसको चाट मसाला इसमें ऐड करूंगी। चाट मसाला आपके स्वाद के अनुसार आप डालिएगा, हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये खट्टा ऑलरेडी होता है। उसमें मुझे इमली की चटनी भी डालनी है, वो भी खट्टी ही है। देन इसमें मुझे नींबू भी ऐड करना है, तो मैंने थोड़ा ही डाला,
और गाइस पफ राइस में ऑलरेडी होता है थोड़ा नमक, तो इसीलिए ध्यान से डालिएगा। हम नमक ज़्यादा नहीं खाते, आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब ये रेडी टू सर्व है, अभी आपका अच्छे से मिक्स दीजिएगा और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गाइज़ अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।